प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मोहरीपुर के पश्चिम ग्राम सभा नूरदीन चक संझाई रामपुर चक जंगल बहादुर अली के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को मोहरीपुर में राहत किट का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 10 लोगों को राशन किट का वितरण किया। इस दौरान पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसडीएम सदर कुलदीप मीना सहित संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में बाढ़ एक बड़ी आपदा है। आपदा के समय देश एवं प्रदेश दोनों सरकारें आप लोगों के साथ हैं। आपको भरपूर मदद करने के लिए पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवार को राहत सामग्री तथा पशुओं के चारे की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबका दायित्व बनता है कि संकट के समय में पीड़ित परिवार को सबल बनाएं और सभी प्रकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 सितंबर को प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर ग्रामीण क्षेत्र में एक वृहद गरीब कल्याण मेला लगाया जाएगा, जहां पर आरोग्यता की जांच के साथ ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक से लोन लेने की कार्यवाही, कृषि ऋण के लिए व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिससे किसी भी गरीब को अपनी जरूरत के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र व राज्य सरकार संकट के इस समय में आप सबके साथ में है। आप सबको मदद देने के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, एक सफेद रंग टेंट वाले कहां आगे भिजवा दी जाएगी थाने में। जितनी भी गाड़ियां, सबसे रिक्वेस्ट है उनके लिए रहने की व्यवस्था व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, इस हेतु उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को संबल प्रदान करने के लिए, संरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आशीर्वचन, अपने स्नेह वचनों से सुरक्षा, स्नेह एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए हम सभी के बीच में बाढ़ आपदा से ग्रसित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित करने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित है। हम सभी अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर नमन करते हैं। हम सब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से जंगल बहादुर अली से, नेक्स्ट कलीमुल वाइफ ऑफ शीतल्ला, वाइफ ऑफ शीतल्ला ग्राम के कर कमलों से बाढ़ राहत आपदा सामग्री को प्राप्त करती हुई, यह राहत सामग्री आप पीछे हो जाए बाबा, आप पीछे हो जाए, क्रमबद्ध रूप से श्री साकिर अली, सन ऑफ श्री चंद्रा घड़ी में साहस संबल और धैर्य प्रदान, प्लास्टिक भी मिलेगा आपको, बाढ़ आपदा सामग्री को प्राप्त रामदेव जीतन चौहान, सन ऑफ श्री रामदेव मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से बाढ़ आपदा राहत सामग्री को प्राप्त करते हुए ग्राम संझाई से श्री भूरे, बाढ़ आपदा राहत सामग्री को एवं सांकेतिक रूप से श्री मोहित, सन ऑफ श्री राम केवल, मोहित सन ऑफ श्री राम केवल ग्राम संझाई से बाढ़ राहत मंत्री उत्तर प्रदेश हम सभी के आदरणीय श्री योगी गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र में और सिरचित क्षेत्र संझाई जंगल बहादुर अली रामपुर आधे ग्राम गांवों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों
की विभीषिका वर्तमान में प्रदेश के लगभग डेढ़ दर्जन जनपदों में है। मैं पिछले 3 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूँ। कल भी मैंने इस पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया था और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी मैंने यहाँ पर बाढ़ के त्रासदी को देखा है, उसको महसूस किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण काफी बड़ी संख्या में नेपाल से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का पानी आया है, उसके कारण जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई है। जल प्लावन के कारण बहराइच में, गोंडा में, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कवि नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल सके जा चुके हैं। नावों की संख्या, जैसे गोरखपुर जनपद का ही अगर आप देखेंगे तो 304 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन सभी गांवों में 405 नावों की व्यवस्था, 50 स्टीमर की व्यवस्था और नई कुछ स्टीमर भी बढ़ाई जा रही है। NDRF, SDRF और PAC की फ्लड यूनिट को भी यहां पर लगाया गया है, जिससे बचाव के कार्य समय पर किए जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि राहत सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री के किट तैयार किए गए हैं और राहत सामग्री वितरण करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां आवागमन में थोड़ा भी समस्या है, प्रशासन से कहा जा रहा है कि बड़ी स्टीमर अगर वहां पर पानी में चलने लायक स्थिति होगी तो गांव तक भेजने की व्यवस्था, या गांव के लोग अगर आ सकते हैं तो उन्हें सुरक्षित ला करके फिर सुरक्षित राहत सामग्री के साथ उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करें। राहत सामग्री के साथ ही दवा की व्यवस्था, जल के लिए समस्या होती है ये भी व्यवस्था की जा रही है कि पेयजल की व्यवस्था या तो सुनिश्चित हो और अगर वह संभव नहीं होता तो लोगों को पीने के लिए पानी की पीनी पका पानी पीने के लिए गर्म करके वे लोग जल का सेवन करें, या क्लोरीन की टैबलेट उन्हें दे करके क्लोरीन डाल करके छान करके उस पानी का ही सेवन करें जिससे डायरिया आदि न होने पाए। इसके साथ ही बरसात के समय में सांप बिच्छू के काटने की, जहरीले जीवों के काटने की और साथ साथ आवारा कुत्तों के काटने की भी शिकायतें मिलती हैं। एक व्यवस्था की गई है कि एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में हॉस्पिटल्स तक पहुंचाए जाएं। प्रशासन को स्पष्ट हिदायत दिया गया है कि राहत और बचाव में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज से स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बरसात के बाद बाढ़ का पानी जैसे उतरेगा तमाम प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में लेगी। इसलिए लोगों को बचाने के लिए आवश्यक है स्वच्छता पर हम ध्यान दें,
मेडिकल की टीम स्क्रीनिंग करें और हर जरूरतमंद को दवा उपलब्ध करवाने का कार्य भी करें। बृहद पैमाने पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। एक एक सीनियर अधिकारी भी इसके लिए हर जनपद में भेजे गए हैं जो इन सब की निगरानी करेंगे। जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोग व्यापक पैमाने पर लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जिससे हर व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। सरकार ने व्यवस्था प्रारंभ भी की है कि अगर बाढ़ की चपेट में आकर के या डूबने से किसी व्यक्ति की दुखद मौत होती है तो उसके परिवार के सदस्य को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवा दें। बाढ़ के कारण किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको तत्काल पक्का मकान है तो 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। अगर किसी व्यक्ति का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसके लिए भी आर्थिक सहायता उसे उपलब्ध करवा दें। किसी किसान या बटाईदार की आपदा के कारण दुखद मौत होती है उस परिवार को भी सहायता राशि तत्काल 24 घंटे के अंदर उपलब्ध हो जाए। किसी पशुपालक के पालतू पशु भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी इन सब की मौत होती है बाढ़ के कारण या आपदा के कारण उन्हें भी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवा दिया जाए। जिन लोगों के मकान नदी की धारा में विलीन हो गए हैं उन्हें जमीन का पट्टा देने के साथ ही उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवा दिया जाए। एक बृहद कार्यक्रम हर जनपद में प्रारंभ किया गया है। गोरखपुर जनपद में भी, नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी बाढ़ बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पिछले 50 वर्षों में आप देख रहे होंगे कि जल स्तर नदी का इतना ज्यादा कभी नहीं था जितना इस बार देखने को मिला है। अकेले गोरखपुर में राप्ती नदी 2.5 से लेकर 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन समय से किए गए उपायों के कारण जनधन की हानि को रोका जा सका। जिन लोगों की फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो रही है उसका भी सर्वेक्षण करके उन्हें मुआवजा देने के लिए अभी से निर्देशित किया जा चुका है। हर एक स्तर पर सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है और मैं आप सबको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार इस दुख और इस आपदा के समय में, इस संकट के समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को सिंबॉलिक राहत सामग्री वितरित हो रही है, बाकी लोगों के लिए हरेक परिवार को, हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री वितरण करने का कार्य मिलेगा। राहत सामग्री में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, भूजा, दाल, नमक, मसाले, देसलाई, बरसाती, ये सभी आवश्यक चीजें हर एक परिवार को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हम सब का दायित्व बनता है कि संकट के समय में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर के उन्हें संभल बंधाए और हर प्रकार का सहयोग करें। बाढ़ के तत्काल बाद 25 सितंबर को हर ब्लॉक मुख्यालय पर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एक बृहद गरीब कल्याण मेला भी लगा रहे हैं। हर विकास खंड मुख्यालय पे लगेगा जहां पर आरोग्यता की जांच के साथ ही वहां पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक से लोन लेने की कार्रवाई, कृषि ऋण के लिए भी व्यवस्था और भी तमाम प्रकार के प्रावधान वहां पर किए जाएंगे जिससे किसी भी गरीब को अपनी जरूरत के लिए दर दर भटकने की नौबत ना ले पाए।
आज के अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार संकट के इस समय में आप सबके साथ में है। आप सबको हम मदद देने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी, अभी यहाँ पर चूंकि पार्षद का चयन नहीं हुआ होगा, लेकिन जो मनोनीत पार्षद होंगे अन्य लोगों को यहाँ पर सेवा के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि पूरा प्रशासन, यहाँ पर स्थानीय विधायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर के आप सबकी सेवा पूरी मजबूती के साथ करेंगे, जिससे बाढ़ के संकट में आप सबके साथ संबल बांधने के लिए सरकार की सहायता सहयोगी बन सकेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। निश्चित रूप से आपके वरद हस्त के वट वृक्ष हमारे विधानसभा में ये जो जंगल बहादुर अली, नूरगुंचक, संझाई और हमीनपुर और रामपुरचक, ये चार गांव मेरे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आए हैं, और एक हमारा ग्राम सभा बढ़नी, इन सभी ग्राम सभाओं में यहां पर लगभग चारों गांव सभाओं में 4000 से ऊपर लाभार्थी हैं, जो जिनके घर पानी में प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, सभी परिवारों को, एक एक परिवारों को जिनके भी ये टोकन बने हैं, ये सभी 4000 परिवारों को हम लोग कम से कम समय में 3 से 4 दिन के अंदर इनको राहत सामग्री जो है उपलब्ध कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने उसमें कहा भी है और हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि हमारी कोई भी जनता भूख से प्रभावित, जो भी हमारी सम्मानित जनता है, उसको कहीं उसका सामना न करना पड़े। इस दृष्टिकोण से हम हर परिवार को वो राशन पहुँचाने का हम सब कार्य करेंगे। और आज यहाँ पर लगभग 200 जो किट अभी तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से लगभग 10 लाभार्थियों को दिया है। बाकी जो 190 जो किट है वो हम सभी लोगों को आज यहाँ पर उपलब्ध करा करके, बाकी हम यही चाहेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर वो हमारी जो सरकार की जो ये सुविधाएं हैं, ये सब आम जनता तक हम सब पहुँचा दें।